भारत और अमेरिका के बीच सी गार्जियन ड्रोन की डील को मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर अमेरिकी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अमेरिकी धरती पर कथित हत्या की साजिश के बाद चीन के सामने अपनी सेना को आधुनिक बना रहे भारत के लिए अत्याधुनिक ड्रोन बिक्री को अमेरिकी संसद ने मंजूरी दे दी है। इस सौदे को मंजूरी देने के बाद अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि भारत अब चीन की तरफ से आने वाले खतरों से निपट सकेगा। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए अमेरिका ने भारत को तकरीबन $4 अरब के 31 प्रीडेटर ड्रोन देने के इस समझौते को मंजूरी दी है। भारत को इस डील के तहत अमेरिका से MQ-9BC गार्डियन ड्रोन के साथ किलर मिसाइलें और दूसरे कई उपकरण भी मिलेंगे। इस डील को मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका ने कहा कि इस प्रस्तावित ड्रोन बिक्री से भारत वर्तमान और भविष्य में चीन की तरफ से आने वाले खतरों से निपटने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकेगा। अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि इस किलर ड्रोन से भारत की मानव रहित निगरानी और जासूसी गश्त पहले से आसान और बेहतर होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका की संसद ने भारत को ये ड्रोन देने पर रोक लगा दी है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित रूप से हत्या की साजिश को इस रोक की वजह बताया जा रहा था। हालांकि बाद में अमेरिकी संसद ने इस ड्रोन डील को मंजूरी दे दी और अब अमेरिका की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इन हमलावर ड्रोन विमानों को भारतीय सेनाओं में शामिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के साथ हमारी साझेदारी हमारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। हम अपनी सबसे अहम प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के साथ प्रीडेटर ड्रोन सौदे के बारे में मिलर ने कहा कि डिलीवरी की सटीक समय सीमा अमेरिका आने वाले महीनों में भारत सरकार के साथ तय करेगा। मैं सौदे के संबंध में यही कहूंगा कि 31 MQ-9B स्काई गार्डियन विमानों की $3.99 बिलियन यानी तकरीबन $4 अरब की डील भारत को एक उन्नत समुद्री सुरक्षा और समुद्री डोमेन जागरूकता क्षमता प्रदान करेगी। इस सौदे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जून 2023 में भारत में जेई जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के साथ की थी। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।